Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं एक और वायरल रील एडिटिंग, जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई दिया, जो इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो आप भी इस तरह की वीडियो को क्रिएट करके अपने वीडियो को वायरल करा सकते हो। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक वॉच करना है। और गाइज, ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पर जो मटेरियल यूज़ करूँगा ना, यहीं पर अपलोड कर दूँगा, आप सिंपली डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर ज्वाइन कर लेना। तो इस तरह के वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है VN। तो VN एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इसमें चले जाना है। न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कर देना है और आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेना है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दूंगा, आप सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो ऐड हो चुका है गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पर ना नीचे एक ऑडियो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ सिंपली ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको वीडियो के लास्ट में चले जाना है, यहाँ पर राइट में एक ब्लैक बैकग्राउंड दिखेगा, इस पर क्लिक करके ना आपको यहाँ पर सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना है। तो ये डिलीट हो जाएगा गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है, वीडियो फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ से ऊपर देख सकते हो फोटो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना गाइस, इसमें क्लिक करना है और यहाँ से ऑल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपका फोटो जिस फोल्डर में रहेगा उसमें आप चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर 7 फोटो सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने 7 फोटोज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने जिस फोटो को चाहते हो उस फोटो को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ना यहाँ से ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एरो दिख रहा है ना, एरो पर क्लिक कर देना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपके सभी फोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो। तो हमारे सभी फोटोज़ आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा काम है म्यूज़िक को ऐड करना। तो म्यूज़िक को ऐड करने के लिए यहाँ पर टैब टू ऐड म्यूज़िक लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें क्लिक कर देना है, म्यूज़िक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला म्यूज़िक है ना, इसको चूज़ कर लेना है और यहाँ से म्यूज़िक बीट्स में चले जाना है। तो म्यूज़िक बीट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बीट्स लगा लेना है। तो बीट्स कैसे लगाने मैं बता देता हूँ गाइस। ये जो व्हाइट कलर का फ्लैग दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करना है, आपको बीट लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बीट लगा लिया है, तो इस बीट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट बीट लगा है 4.21 सेकेंड, सेकेंड बीट लगा है 5.25, थर्ड वाला बीट लगा है 6.26, और फोर्थ बीट लगा है 7.35 सेकेंड, और फिफ्थ वाला बीट लगा है 8.26 सेकेंड पे, और सिक्स्थ वाला बीट लगा है 9.24 सेकेंड में। तो आपको भी इसी तरीके से बीट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे राइट वाला पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और एक और बार राइट पे क्लिक कर देना है, हमारा म्यूज़िक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है गाइस, कि हमारा जो बीट रहेगा, बीट के अकॉर्डिंग हमें फोटो को सेट कर देना है। तो जो फर्स्ट वाला फोटो रहेगा उसको सेकेंड बीट पे यहाँ पर ना स्क्रॉल करके यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, देख सकते हो इसके सीधे में होना चाहिए गाइस। उसके बाद अगले वाले फोटो को हमें ना थर्ड वाले बीट के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो ये ऑटोमेटिक सेट हो चुका है, देख सकते हो गाइस। उसके बाद हमें अगले वाले बीट में चले जाना है, अगले वाले बीट में क्लिक करके देख सकते हो हमारा जो थर्ड वाला फोटो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं है। तो हमें इसको स्क्रॉल करके ना इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना है गाइस, देख सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी करना है। एकदम इजी तरीका है गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहो, मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर देना गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस हमारा जो सभी है फोटोज़ वो यहीं पर लग चुका है गाइस। तो मैंने एक एक्स्ट्रा फोटो ले लिया था गाइस, तो एक्स्ट्रा फोटो को यहाँ पर हमें डिलीट कर देना है। तो लास्ट वाले फोटो में हम क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा फोटो तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें ऑडियो के लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर स्क्रॉल करके इतना कर लेना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से करना है आपको भी, देख सकते हो हमारे सभी फोटोज़ यहाँ पर बीट के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। अब गाइस हमारा काम है एफएक्स को ऐड करना, तो एफएक्स लगा लेना है गाइस। तो एफएक्स लगाने के लिए सबसे फर्स्ट वाले फोटो में हमें आ जाना है, और यहाँ से हमें एफएक्स में चले जाना है। एफएक्स में जाने के बाद हमें सबसे फर्स्ट में रखना है जूम आउट, जूम आउट को रख लेना है, इस तरीके से सेट करना। उसके बाद आपको नीचे राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है इसमें चले जाना है, और यहाँ से जूम आउट पे रख लेना है। इस तरीके से अगले वाले में जाकर हमें यहाँ पे इस भी जाकर इसको जूम आउट रख लेना, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है, देख सकते हो इसी तरीके से करना है आपको भी। फिर अगले वाले में जाकर यहाँ पर भी इसको रख लेना है जूम आउट, और उसके बाद हमें अगले वाले फोटो में चले जाना है सेकेंड लास्ट में, और यहाँ से इसमें हम एफएक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें रख लेंगे जिटर डाउन, यहाँ पर इतना रखेंगे, उसके बाद राइट पे क्लिक कर देंगे। और जो लास्ट वाला फोटो बचेगा ना गाइस, उसमें हमें यहाँ पर एफएक्स में चले जाना है, और इसको रख लेंगे हम फ्लैश। फ्लैश रखने के बाद इस तरीके से सेट करने के बाद आपको नीचे राइट पे क्लिक कर देना है। तो आपका वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा गाइस। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ हमारा वीडियो किस तरीके से बना हुआ है। तो देख सकते हो गाइस एकदम इजी तरीके से हमारा वीडियो बन चुका है। अब इस वीडियो को हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर हमें नीचे राइट पे क्लिक कर देना है, और आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको सेव टू एल्बम वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आई होप गाइस ये वाला ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।